मैं मोनिका और यहाँ बहुत बहुत ठंडा है। क्या है वहाँ पे? मैं ग्लव पहन रही हूँ, देखिए। अभी अभी मैं ग्लव, अभी इतना ठंडा का टाइम है। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तुलिका। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग का लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे हेयर को लेके, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना लाइक किया, अपने कमेंट्स किए, और बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था। सब लोग मैसेज कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स की, अपना दो चोटी वाला वीडियो बनाओ, समथिंग ऐसा कुछ मैसेज था। तो आज मैं ना विदाउट एडिटेड वीडियो जरूर से शेयर करूंगी, जिसमें मुझे ये भी बोला कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक मत दीजिए, आप डायरेक्ट दिखाइए। तो आज मैं छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं टेरिस पे नहीं बना सकती। आज बहुत ज्यादा फॉग है यहाँ पे, और आउटसाइड में आप देख सकते विंडो भी बंद है। ये जो लहरिया सराय जो जगह है जहां मैं हूँ अभी, मेरे ससुराल में, वहां पे। तो चलिए मैं आप लोग को सिंपल सा चोटी जो है, दो चोटी ऐसा बना के या दो पॉनीटेल बना के दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा जो वीडियो है उसमें मुझे आ रहे थे कमेंट। तो एक सिंपल सा वीडियो है, एक छोटा सा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग के लिए कुछ विलेज का जो रेसिपी होता है, या फिर विलेज का जो भी ट्रेडिशनल फूड है, उनके जो कल्चर है, उसके लिए लेके आऊंगी। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज से शेयर कीजिए अपना मेरे वीडियो को। और मैं ये हेयर का एक मिनट, मैं हेयर दो चोटी तो मुझे बांधे हुए भी कई साल हो गए। आई थिंक मैं जब बैचलर थी तभी मैं दो चोटी बनाती थी, और अब तो बिल्कुल ही छूट गया है ये दो चोटी बनाना। फिर आप लोग की रिक्वेस्ट थी तो मैंने कल शैम्पू किया था, तो मैं सोची चलिए आज एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं दो चोटी का। और पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, आई डोंट नो, बट आई एम ट्राइंग। दो चोटी तो मैं भी बनाती हूं। और मेरी डॉटर बहुत अच्छे से ऑयलिंग करती है, और उसपे उसके वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए, इसके लिए मैं थैंक यू फिर से बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। अभी मैं भी थोड़ा मिरर में देख लेती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, एक मिनट में इस वाले चोटी को मैं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, मिश्री वीडियो। अभी मैं ना फिर से इसको थोड़ा सा टाइट कर लेती हूँ, और आप देख सकते हैं ये बंद रूम है, और मैंने स्वेटर पहन रखा है, तो यहाँ पे सच में बहुत ठंड है। और ये देखिए, मैंने दो पोनीटेल बना लिए हैं, ये आप लोग भी देख सकते हो। मैंने शैम्पू किया था इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इधर मिरर है हमारा, तो बहुत दिनों बाद बनाए तो मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। आप लोग जरूर से बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और शायद दो चोटियों वाला भी था, तो मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और मैं ये भी दिखाऊंगी कि मेरी जो मैं मम्मी के घर जाऊंगी तो उनका भी वीडियो दिखाऊंगी। और गांव के लोग जो है ना, वहां पे भी मैंने देखा है कि उनके हेयर जो है बहुत थिक है, और बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता। और यहाँ पे मेरे हेयर फॉल बहुत कम हो रहे, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही सही है। और आप ना ज्यादा से ऑयलिंग जरूर से कीजिए, ऑयलिंग जरूर से कीजिए। ओके गो, मिश्री फॉग है बेटा, ज्यादा हो जाओ। तो ऑयलिंग जरूर से कीजिए, और वही है। और टच उड, मेरे बाल अभी तक व्हाइट नहीं हुए हैं, तो ये भी एक रीजन है कि मेरी मम्मी मुझे आंवला सिका का ये सब लगाती थी, तो आज का जो है वो इसी पे बेस्ड है। और थोड़ा सा मैं और दिखाऊंगी आप लोगों को, और आप लोगों ने बोला था कि एडिट मत करिए, अपने वॉइस में डालिए, तो मैं अपने वॉइस में भी दिखाऊंगी। और थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा ये ऐसे नॉर्मल वीडियो भी बना के थोड़ा सा तो दिखाऊंगी। ये देखिए, आप लोग को अगर अच्छा लगे मेरा हेयर, और कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़े दिन बाद मैं शायद कुछ स्टाइलिश बाल बनाना भी सीख जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिजाइन आता नहीं है। लेकिन वहां पे जो है मेरी मम्मी के घर में सोनी रहती है, उन लोगों को और दूसरे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते हुए इतना आते हैं, तो मैं जरूर से अपने बालों में ट्राई करवाऊंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, हमें जरूर से बताइएगा, और अपने कमेंट जरूर से डालिए, और बताइए कि मैं छोटी में अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं
खुद ही बहुत दिनों बाद ये ऐसे पोनीटेल बनाई हूँ दो चोटी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।